नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं कांदिवली पूर्व भीमनगर दामूनगर में, जहां आज देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसको लेकर पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की जो है मिशन जो है वो चल रहा है। यहां पर भी लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू और साफ सफाई करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ की जो नगर सेविका है, ये जो इलाका है वार्ड क्रमांक 26 में आता है, जिसकी नगर सेविका है गौतम प्रीतम पंडागले, उनसे जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पर। मैडम, आज देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, आप लोग जो है हाथों में झाड़ू लेकर आज उतरे हुए हो, क्या कहना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर? सबसे पहले तो मैं मेरे विभाग के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे चुन के दिया है, कि उनको लगा कि यहाँ पे प्रीतम पंडागले कोई काम कर सकती है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और स्वच्छता का तो बोलेंगे तो यहाँ पे इतनी गंदगी है, पर जब से मैं चुन के आई हूँ तब से यहाँ साफ सफाई पे और फॉगिंग पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। सब जगह पे कहाँ गंदगी है वहाँ जाके मुझे कोई भी बोलता है, मैडम यहाँ पे कचरा पड़ा है, मैं तुरंत फ़ोन करके वो कचरा उठाती हूँ। जहाँ पे भी नाले भरे हो कचरा रहेगा वहाँ पे भी साफ सफाई का वो पूरा मैं ध्यान देती हूँ। और साफ सफाई में जैसे आप बोलेंगे तो यहाँ पे सब ठीक है, ऐसा साफ सफाई के बारे में सब लोग अपने अपने जगह पे व्यवस्था बराबर कर रहे, सफाई कर रहे, कचरे के डब्बे में कचरा डाल रहे, उनको बोला है नाले में कचरा मत डालो, तो लोग यहाँ के बहुत समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। यही है बस, वार्ड सुरक्षित रहे और स्वच्छ रहे। बिल्कुल, वार्ड सुरक्षित रहे स्वच्छ रहे, और भी कई सवाल हैं मैडम से जानेंगे, लेकिन एक एक करके तमाम लोगों से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे गौतम पंडागले जी से, जो उत्तर मुंबई के उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी, क्या लगता है 2014 से अब तक देश में स्वच्छ भारत अभियान का कितना असर देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा असर हो गया है। लाल किले से पहली बार पंतप्रधान ने ऐलान किया था, हमारे माता बहनें जो खुले में शौचालय पे जाती है, तो इसके लिए मोदी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने लाल किले से 2014 को बोला था 2 अक्टूबर को कि शुरू की थी योजना स्वच्छ भारत अभियान के मार्फत, शौचालय बनाना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, वो काफ़ी लोग हद तक अच्छा लोगों में मैसेज पहुंच गया है। और आज उनका जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने जन्मदिन के लिए बैनर बोर्ड लगाने के लिए मना किया, मगर उन्होंने एक ही बोला है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज का दिन सेवक दिन और सेवा दिन के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे जाना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग यहाँ पर हम लोग महापुरुषों का पुतला साफ कर रहे हैं, शौचालय साफ कर रहे हैं, बेस्ट डेपो के सामने जो बस स्टैंड है वो सफाई कर रहे हैं, और नाले गटर हम लोग साफ करने का आज पूरा दिन हमारा कार्यक्रम है। तो मोदी साहब का जो सोच है उसके लिए हमारे स्थानीय नगर सेवक प्रीतम पंडागले, हमारे सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं, ये आज का दिन हमारा पूरा उसी सेवा में रहेगा। आज का दिन ही क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? बाकी दिन में भी अभी तो क्या है कि 15 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक हमारा पूरा ये सप्ताह, ये पूरा 15 दिन हमारा स्वच्छ अभियान में है, मगर आज का दिन स्पेशली इसलिए है कि इसलिए करना ही है। बाकी हम लोग तो हमेशा, अभी आपको व्हाट्सएप पे फोटो दिखाऊंगा, हम लोग खुद जाके कार्यकर्ताओं को मिलके, जो बीएमसी कम बढ़ती है, कर्मचारी कम बढ़ते हैं, तो भी हमारे कार्यकर्ता खुद जाके हाथ में फावड़ा लेके झाड़ू लेके खुद सफाई करते हैं। ये परिवर्तन हो रहा है नरेंद्र मोदी साहब के वजह से, ये परिवर्तन कार्यकर्ता में आ गया कि हम लोग भी हम समाज के साथ में रह के रोड पे उतर के गटर साफ करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। बिल्कुल प्रेरणादायक है, परिवर्तन हो रहा है, क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन देश में हो रहा है? जब से हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जो अब जब से पीएम बने तब से तो हमें परिवर्तन ही दिख रहा है, और इसके आगे भी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो इस सीट प्रधानमंत्री के लिए वो दावेदार है और वही रहेंगे, तो इसलिए परिवर्तन होते ही रहेगा। और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा करके जो मुहिम छेड़ी गई है, उसके तहत देश में हर जगह पर स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है वो गूंजता नजर आ रहा है, और हर कोई आज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की होड़ में लगा हुआ है, हाथों में झाड़ू लेकर लोग रोड पर उतर चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्वच्छता ही सेवा की मुहिम छेड़ी गई है, क्या लगता है ऐसे में देश में कितनी स्वच्छता आएगी? जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला है स्वच्छ भारत अभियान जब से चालू किया, तब से मुझे तो लग रहा है कि जहाँ
जहाँ तक जो पहले जो था कांग्रेसी राज में जो स्वच्छता के नाम पे सिर्फ दावा किया जाता था पर स्वच्छता कहीं पर नहीं दिखाई जाती थी, पर जब से ये जो स्वच्छता मुहिम का जब से प्रधानमंत्री ने दिया है तब से तो हर वार्ड में हर तरीके से महानगर पालिका हो या चाहे कॉरपोरेट ऑफिस हो या चाहे कोई मंत्री हो या कोई आमदार MLA हो, वो सब लोग अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने तरीके से अपने अपने विभाग में अपने अपने एरिया में स्वच्छता जहाँ पर नहीं दिखी वहाँ पर हमारे यहाँ से कॉल जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता कॉल करते या तो जहाँ पर नहीं दी स्वच्छता नहीं है वहाँ पर हमारे खुद कार्यकर्ता खड़े रह के साफ सफाई करवा के लेते। इससे ये दावा होता है कि अगर हम कुछ चाहे अगर हम खुद चाहे तो हम हमारा एरिया भी खुद अपने तरीके से साफ करते, और ये जो प्रेरणा दी है ये सिर्फ मोदी जी ने दी है, बाकी अदरवाइज हमने तो बहुत से देखा है कि बहुत से आते बोलते चलो स्वच्छता करो स्वच्छता करो, वहाँ पर कुछ स्वच्छता होती नहीं है, पर जब से इन्होंने नारा दिया तब से देखा जाए तो आप कहीं पर भी देखिए जब पहले फ्लैग लगे तो आपको ये दिखेगा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्ट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले था पर उसका यूज कोई नहीं करता था, सिर्फ नाम के लिए झाड़ू लो साफ सफाई करो, MLA आते थे अपने हिसाब से साफ करते थे और निकल जाते, उसके बाद क्या तो वही होता था जो सिर्फ दिखावा होता था, पर अभी वैसा दिखावा नहीं। आप कहीं पर भी जाओ स्वच्छता आपको मिलेगी, यहाँ पर स्वच्छता के लिए जितना कॉरपोरेट है उससे ज़्यादा यहाँ की जो महानगर पालिका है वो भी हमें कॉरपोरेट करती है। जब भी हम कॉल करें वहाँ के जो JO है यही है जो हमारे वार्ड ऑफिसर है वो भी हमारे पूरा कॉरपोरेट करते हैं, यानी महानगर पालिका पूरा कॉरपोरेट करती है। आपसे जानना चाहेंगे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोग हाथों में झाड़ू लेकर खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से और भी लोग हैं, सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें, यहाँ पर मौजूद हैं क्यों, लेकिन बोलने के लिए अगर हम बात करें तो जहाँ तक सवाल है कि आज देश में स्वच्छता की जो मुहिम है वो पूरी तरह से कारगर साबित होती जा रही है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे आज हाथों में झाड़ू लेकर आप लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई कर रहे हो क्योंकि आप BMC से भी हो, जानना चाहेंगे यहाँ के इलाके क्योंकि ये पूरा एरिया स्लम का आता है, यहाँ पर साफ सफाई को लेकर BMC किस तरह से काम करती है? BMC अभी ये भीमनगर एरिया वार्ड नंबर 26 है, वहाँ पे BMC हमारा आर साउथ वार्ड सफाई के बारे में स्लम एरिया में वस्ती स्वच्छता योजना स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के अंतर्गत हर घर घर से कचरा कलेक्ट करते हैं जिसे हाउस टू हाउस बोलते हैं, और जो भी गटर्स है वो गटर साफ करते हैं, लोगों को प्रबोधन करते हैं कि स्वच्छता में आपका भी सहभाग होना चाहिए क्योंकि स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के अंतर्गत लोगों का सहभाग स्वच्छता मन से शहर तक, ऐसा शहर से मन तक ऐसा स्लोगन ही है उसका, तो हर इंसान को स्वच्छता के बारे में उसको प्रबोधन करना है, लोगों को प्रबोधन करना है, विशेष करके स्लम एरिया में जो भी लोग होते हैं उनको स्वच्छता के बारे में मालूम नहीं रहता है, आरोग्य के बारे में मालूम नहीं रहता, तो वो स्वच्छता शिक्षण देना और स्वच्छता करना उनसे घर से लेके सेग्रीगेशन, घर से जो कचरा आता है वहाँ पे सूखा कचरा अलग निकालना, गीला कचरा अलग निकालना और गीले कचरे का कंपोस्टिंग करना, ये हम लोगों को समझाते हैं। हमारे और साउथ के वार्ड ऑफिसर हमारे साहेबराव गायकवाड़ जी है, हमारे HS गोसावी सर है, हमारे सुपरवाइजर देसाई सर है, हम लोग अभी स्लम एरिया में भी जो भी जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स है आर साउथ में जितने भी पे एंड यूज टॉयलेट है वो सब क्लीन कैसे रहेंगे इसके लिए अलग अलग हमारे वार्ड ऑफिसर प्रोग्राम तय करते रहते हैं, यानी जागरूकता अभियान चलाते हो आप लोग। लेकिन मैडम अगर बात की जाए BMC से होने के नाते यही जब बाजू का इलाका है स्लम एरिया है जहाँ हाल ही में अगर हम बात करें तो आग भी लगी थी, लेकिन आज भी वहाँ पर कचरा का सुचारू रूप से कोई व्यवस्था ना तो कोई डस्टबिन है क्योंकि वो जो एरिया है वो थोड़ा टेकरी पे है और ये कहा जाता है वो फॉरेस्ट जोन में आता है, क्या वजह वहाँ BMC के कर्मचारी क्यों नहीं जाते? जो अभी झोपड़ी थी वहाँ पे आग लगी हुई थी, कितना सारा वेस्ट निकला हुआ था, लेकिन महानगर पालिका आर साउथ वार्ड ने वो अभी आपने ऊपर जाके देखा है बहुत सफाई किया हुआ है, लेकिन जो इलाका आप बोल रहे हैं वो वन विभाग में आता है, ऐसा है जहाँ पे वन विभाग है प्राइवेट लैंड है तो महानगर पालिका वहाँ पे सेवा, मेरे इसे पता है मुझे जितना वहाँ पे हमारी सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ से वो कचरा अगर नीचे आता है हमारे प्रभाग में दो हम लोगों ने स्टेशनरी कॉम्पैक्टर लगाए हुए जिसे हाईवा बोलते हैं, वो 24 आवर्स कचरा एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग अगर हम लोग समझाते वो लोग कचरा लाके वहाँ डाल सकते हैं, और अगर कचरा पेटी में है वो तो दिन में 3 बार हमारी कचरा पेटी क्लीन होती रहती है, हमारे कॉम्पैक्टर्स आके साफ सफाई करके जाते हैं।
बिल्कुल, ऐसे में तमाम जो सवाल बनते हैं, गौतम जी जानना चाहेंगे, आज स्वच्छ भारत मिशन इसलिए चल रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये एक बड़ा मिशन था जो शुरुआत की गई थी, लेकिन बाकी दिनों में इस वार्ड की साफ सफाई किस तरह से रखी जाती है, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि जनता की समस्याओं को वो उनसे दूर करे। नहीं, वार्ड क्रमांक 26 में काफ़ी अच्छी तरह सफाई हो रही है और लोग कॉल करते तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचते भी हैं और बीएमसी के कर्मचारियों को बोलते भी हैं, तो जैसे ही मालूम पड़ता है यहाँ पर कचरा है दिखता है वो तो साफ होता ही है, जो नहीं मालूम पड़ता है लोग कॉल करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि सबको नंबर है, प्रीतम पंडागले का, गौतम पंडागले का, सबके पास नंबर है, फ़ोन भी करते हैं, तुरंत एक दो घंटे में जाके वापस सफाई भी होती है, सफाई के नाम पे अच्छा है। और हमारे कार्य समर्थ खासदार माननीय गोपाल शेट्टी साहब का भी वही कहना है कि आपको चुन के दिया है, झोपड़पट्टी में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है, इसके लिए आप लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या हल करने के लिए कोशिश करो। यही कहना चाहता हूँ आपको टीवी के माध्यम से कि नगर सेविका जो काम कर रही है उनके फंड में से जो यहाँ पर विकास कर रही है, शौचालय बना रही है, गटर का काम कर रहे हैं, लादी का काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े काम है जैसे प्रवेश द्वार बनाना है नालंदा बुद्ध विहार के पास, फेवर ब्लॉक बिठाना है, और यहाँ पर जो ज़्यादा फंड लगता है उसके लिए गोपाल शेट्टी साहब के फंड में से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसका लिस्ट भी आपको भी थोड़े दिन में जारी करूंगा। और आमदार प्रवीण दरेकर जी के माध्यम से भी, मतलब हमारे पास आमदार है, खासदार है और स्थानिक नगर सेविका, ये झोपड़पट्टी एरिया है, ये हम लोग थोड़े समय के अंदर इतना चमका देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल चमका देंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे तभी, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जब पार्टी का मिशन जारी होता है तो शायद सभी नेताओं की नींद खुलती है और वो हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई के लिए निकल आते हैं। ऐसे में प्रीतम पंडागले, क्या जनता की समस्याओं को लेकर आप लोगों से रूबरू होती हैं? ऐसा है कि पहले से वो जब नगर सेविका नहीं थी तब से उन्होंने इस वार्ड क्रमांक 26 को, ये वार्ड क्रमांक 26 ना होते हुए पहले वार्ड क्रमांक 25 था, वो तब से जब उनका कोई उनके नगर सेविका का पोस्ट नहीं था तब से वो काम लोगों के बीच में थे और लोगों के बीच में रहते आई है, तो ये कोई बड़े घर से नहीं है, स्लम से उठी और लोगों की गरीबी जानते हैं और लोगों में बात उनकी है और गरीबी वो जानती है, लोगों में कौन सी समस्या होती है वो सब जानने की उनमें कैपेसिटी भी है, तभी लोगों ने उनको नगर सेविका चुना है। और इसीलिए मैडम हर तरह की जो परेशानी है लोगों में रूबरू होती है और सुनती है उनकी प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, नेता जो होता है, जनप्रतिनिधि जो होता है, लोगों की समस्या। आपसे जानना चाहेंगे, स्वच्छ भारत अभियान का कितना असर हुआ है? कम से कम इस दामोनगर एरिया में तो 65% से ऊपर हो चुका है और हमारी प्रीतम पंडागले जो हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस सफाई के अभियान के मातहत, और मोदी जी का ये जो अभियान है बहुत ही अच्छा है, इससे कम से कम हम लोग तो बहुत ही खुश हैं और आगे इसको निरंतर करते जाएंगे और इनके साथ में रहेंगे। बिल्कुल, एक कदम स्वच्छता की ओर जो मुहिम है स्वच्छ भारत अभियान की, वो लगातार जारी है और ऐसे में लगातार पूरे देश में आज जो है लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आप अपना आसपास का इलाका, आप अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी अगर साफ सुथरा रखेंगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तुझे यहां से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा, तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद है भीमनगर दामूनगर में, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है यहां पर आज झाड़ू साफ सफाई की जा रही है, और ये पूरा इलाका स्लम इलाका है। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे, एक बीएमसी का बोर्ड यहां पर लगाया गया है, उस बोर्ड को दिखाएं जो साफ तौर से लिखा गया है स्वच्छता हित सेवा मुहिम का, कचरा मुक्त कांदीवली, कचरा मुक्त मुंबई, कचरा मुक्त महाराष्ट्र, कचरा मुक्त भारत। ये जो स्लोगन है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को दिया था। आज उनका 67वां जन्मदिन है, जिसको लेकर पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम है उसमें तेजी देखने को मिल रही, क्योंकि लगातार स्वच्छ भारत मुहिम से लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो आम नागरिक हो, इसका हर किसी पर असर हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ रखोगे तो आप खुद स्वस्थ रहोगे, आपको जो बीमारियां हैं, जो बरसाती बीमारियां होती हैं, उनसे आप बच सकते हो। मैडम जानना चाहेंगे, यहां पर आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 67वां जन्मदिन है, इस मौके पर जिस तरह से आप लोगों ने ये हाथ में झाड़ू लेकर एक अलग मुहिम छेड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी मुहिम काफी लंबे समय से चल रही, हर कोई इससे अछूता नहीं रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज के दिन ही ये प्रीतम पंडागले के हाथ में झाड़ू होती है या हर दिन लोगों के लिए होती है? नहीं नहीं सर, हर दिन रहेगी झाड़ू। अभी मैंने अभी एक नक्की किया है कि हर संडे मैं पूरे इलाके, सैटरडे, अच्छा हर सैटरडे मैं ऐसा करूंगी कि पूरे एरिया में झाड़ू खुद लेके मारूंगी, पूरे एरिया में झाड़ू खुद मारेंगी। ये है नगर सेविका जिन्होंने आज वादा किया है कि हर सैटरडे पूरे एरिया में झाड़ू लेकर लोगों की समस्या ले जाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान वादे बहुत होते हैं, आपने भी कई वादे किए थे जिसमें महिला बचत गट के भी वादे थे, महिला एजुकेशन को लेकर आपने वादे किए थे, क्या लगता है चुनाव के जीतने के बाद, क्योंकि लोगों ने आप पर विश्वास जताया और आपको वोट देकर विजयी बनाया, किन किन मुद्दों पर और क्या क्या अब तक यहाँ के लोगों के विकास के लिए आपने काम किया? जो मैंने इलेक्शन में चुनाव में जो वादे किए हैं उसमें मैंने मेरे अभी तक 20 काम हो गए, पास हो गए, अभी वो चालू है, 4 काम मेरे चालू हो गए, जैसे शौचालय और रोडकरण, और महिलाओं के लिए मैंने रोजगार के लिए बोला है, वो भी अभी जल्दी में मुझे उनका उत्तर आ जाएगा, और बचत गट के लिए भी चालू है मेरा, वो भी हो जाएगा, और एक सबसे पहला मैंने जो वादा किया था यहाँ के लोगों की कि उनके लिए घर के लिए, तो उनके लिए अभी मैं घर के लिए लड़ रही हूँ, और उनका घर के हक, उनका हक का घर उनको मिला के दूंगी, यही हम लोगों की, सब लोगों की ये वादा है और वो हमको करना है। और जैसे यहाँ पे जो सिंह स्टेट का रोड है वो भी, उसके लिए भी हम लोगों ने बोला है, और वहाँ के लोगों को भी घर देना है, और रोड भी बनाना है और घर भी देना है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे काम है। और मेरा जहाँ पे मेरा फंड कम पड़ता है वहाँ पे मैं प्रवीण भाऊ दरेकर और अपने खासदार गोपाल शेट्टी सर का भी फंड यहाँ पे मैं यूज़ करके ये वार्ड को बहुत अच्छे से बनाऊंगी, 1-1.5 साल में ये वार्ड में बहुत अच्छा बनाऊंगी, ये मेरा वादा पहले से ही और अभी भी है। बाद मुझे 1.5 साल के बाद आप पूछो, आप आओगे तो तुमको ये वार्ड बहुत ही अच्छा और सुरक्षित और नया मिलेगा, बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा, देखते हैं कितना होता है 1.5 साल में। वार्ड क्रमांक 26 और भीमनगर दामूनगर का काया पलट जानना चाहेंगे आप लोगों से, मैडम आपसे जानना चाहेंगे कितना विकास कार्य होता है आपके वार्ड में, कितना साफ सफाई होती है, बीएमसी वाले आते हैं कचरा लेने? सर बीएमसी वाले आते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई डोंगर पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहाँ बीएमसी पास नहीं है, बीएमसी जाता नहीं है वहाँ पे, हम लोग का तो खैर बात ही छोड़ो, दामूनगर में है, भीमनगर में है, तो यहाँ पे साफ सफाई शुरू है, अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी जब से हमारी नगर सेविका आई हैं तब से वो अपना जो काम कर रही हैं, आगे भी जो करेंगी हमको पूरा विश्वास है कि वो अच्छा ही करेंगी। मैडम आपने कहा आप डोंगर पे रहते हो, पहाड़ पे, वहाँ बीएमसी अप्रूव नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर मतदार हो, आपके वार्ड क्रमांक की जो नगर सेविका है प्रीतम पंडागले, क्या आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर उनके पास शिकायत की कि मैडम हमें भी जो है मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं, हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए? हाँ हमने किया, अभी जब वो नगर सेविका चुन के उनको हम लोग लेना लाया तब उन्होंने वादा किया कि हाँ हम घर देंगे, जो सुविधा है वो सुविधा हम लोग पास करा के देंगे, अभी आगे तो हम लोग की इच्छा है कि भरोसा है, विश्वास है कि वो करके देंगी, अभी आगे जैसा वहाँ से आएगा वैसा हम लोग को मिलेगा।
आपसे जानना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे। स्वच्छता लेके वो ऐसा है, आज मोदी जी का ये बर्थडे है, इसके लिए हमारा नगर सेवक है इधर प्रीतम पंडागड़े जी, गौतम पंडागड़े जी, और वो जैसा भी अभी खड़े हो गए और चुन के लाए हम लोग पब्लिक ने, तो इससे अच्छे अब भी काम करेंगे। हमको बहुत अच्छा इसका यह है कि अभी भी इसका काम चालू है पूरा, मतलब गली गली में गटर का नाली का ऐसा उसने लाधिकरण लिया, वो भी उनका काम चालू हो गया। उनका साफ सफाई जो हमारा है अभी आज 15-18 साल से जो हमारा साफ सफाई चालू है दत्ता गस्ती का, तो अभी तक किसी का कम्प्लेंट आया नहीं है। इसका आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे और अभी भी कर रहे, वही हमारा काम चालू है। ये काम चालू है हर कोई जो है। गौतम जी जानना चाहेंगे, जब शायद दामूनगर भीमनगर में आग लगी थी उस दौरान आप लोगों ने, आपके खासदार ने ये कहा था कि दामूनगर के जो रहवासी हैं उनको पूरी तरीके से उनका अधिकार मिलकर रहेगा, क्या लगता है अब तक जो झोपड़े जले थे उनको किस तरह की सुविधा दी गई, क्योंकि आपका ही वार्ड है वो भी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी एक मैडम ने कहा कि हम लोग बीएमसी से दूर हैं क्योंकि हम लोग डोंगर पर रहते हैं, उनकी क्या लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? जैसे खासदार साहब ने कहा था, जैसे आग लगने के बाद जैसे 3,800 का तत्काल उनको मदद दिया था, मगर खासदार साहब ने, गोपाल शेट्टी साहब ने मुख्यमंत्री को झगड़ के, प्रवीण दरेकर जी ने झगड़ के, हमारे आमदार प्रवीण दरेकर जी और खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने, महाराष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में कभी भी दुर्घटना होती है 10,000 के ऊपर कभी मदद मिलती नहीं है, ये प्रोटोकॉल बदल के, जीआर बदल के 3,800 के अलावा 1,241 लोगों को 25,000 की मदद उन्होंने जाहिर की, और जाहिर करने के बाद में उन्होंने खुद के हाथों से यहाँ पर बांटा। बांटने के बाद गोपाल शेट्टी साहब ने कहा था कि ये पैसा आप लोग ऐसे खर्च मत करो, इसके लिए 25,000 रुपये का आप अपना घर आशियाना बढ़िया बनाओ, मगर यहाँ पर फॉरेस्ट की बस्ती है, फॉरेस्ट के लोग तंग करते करेंगे, नीचे से कोबा फाउंडेशन करने नहीं देते थे, मगर उन्होंने बोला कि कोई भी आएगा तो उसको मेरा नाम बोलो, मुझे फ़ोन लगाओ। उनके कहने पे मैंने यहाँ पर बैनर लगाया, लोगों को बोला कि आप अच्छा घर बनाओ, लोगों ने अपना आशियाना पक्का बना दिया, ऊपर सीमेंट शीट डाल दिया, साइड से दीवार उठा के कर दिया। जब उनको घर 3 साल में मिलना चाहिए था, 18 साल हो गए उनको घर नहीं मिला, तो हमने बोला जब घर देंगे तभी ये तोड़ेंगे, अभी पक्का घर उनको बनना नहीं दो, जब कच्चा था इसलिए आग लगी थी, इसलिए गोपाल शेट्टी साहब ने के कहने पे लोगों ने हिम्मत करके वहाँ पर पक्के घर बना दिए। अभी उसके बाद में हम लोगों ने पानी की व्यवस्था कर दी, शौचालय का थोड़ा सा परेशानी है वो भी हम लोग कर रहे, और रास्ते भी अच्छा बना रहे, और इनके लिए अच्छे से अच्छा घर हम लोग सोच रहे, वो बढ़िया कभी सोचा नहीं था ऐसा घर उनको सेल बिल्डिंग जैसा ही उनको अच्छी जगह पे हम लोग थोड़े दिन में देने वाले हैं, ये आपको वादा कर रहा हूँ। बिल्कुल जानेंगे मूलभूत सुविधाओं को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग यहाँ पर रहते हो, मूलभूत सुविधाओं में पानी बिजली सड़क ये आते हैं, इसको लेकर आपके जो जनप्रतिनिधि हैं किस तरह से काम करते हैं? जो सब आपने भाई संबंधित हिसाब से सब सही चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है। जहाँ हमारे से घर में कभी बिजली रहती है नहीं रहती है, कभी पानी रहता नहीं रहता है, हमको लंबे से लाना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं आप लोगों को? तो अभी तो फिलहाल तो चालू है अच्छा, पहले प्रीतम ताई पंडागड़े ने अभी काम तो लिया आपने, पहले जो हमारा नगर सेवक था अजंता यादव उसने भी अच्छा काम किया, मगर अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा बोलेगा तो अभी प्रीतम ताई घर, ये घर की नगर सेवक हमारी, बाहर की नहीं, प्रत्येक एरिया में जाके वो सब सबको मिलती है, दुख सुख काम तो होते रहते हैं, सबसे ज़्यादा दुख आदमी का दुख सुख, कभी कुछ परेशानी होगी खुद खड़ा रहती है उधर, अभी बीच में आग लगे थे खुद सबसे पहले आगे वही थी। सबसे आगे आती हैं प्रीतम पंडागले, आपसे मैडम जानना चाहेंगे जागरूकता अभियान, आपने कहा कि स्वच्छ भारत स्वच्छता को लेकर आपके जो वार्ड ऑफिसर हैं, आपके जो बीएमसी के लोग हैं वो तरह तरह से चलाते हैं, लेकिन यहाँ के नागरिकों के लिए क्या बीएमसी किस तरह से जागरूकता अभियान चलाती है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था बरसाती बीमारियों का कहर बड़ी तेजी से फैला था और ये स्लम इलाका है, ऐसे में यहाँ पर आपकी नगर सेविका, आपके वार्ड ऑफिसर क्या कुछ जागरूकता अभियान चलाते हैं? बारिश की वजह से पानी रुक के जो बीमारियाँ होती है उसके लिए हम लोग, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो गटर पे फॉगिंग करते हैं, घर घर में हेल्थ डिपार्टमेंट के जो CHVs होती है वो ड्रम में एबेट नाम का एक लिक्विड डालते हैं जहाँ से मच्छर पैदा ना हो इसके लिए, और घर घर में पैम्पलेट हम लोग देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि मलेरिया डेंगू ऐसे जो भी बीमारी होती है वो किस वजह से होती है, इसके लिए जागरूकता
रैलीज निकालते हैं हम लोग, स्वच्छता दौड़ रखते हैं, जिससे लोगों को जागरूकता में सहयोग मिलता है। बिल्कुल जागरूकता में सहयोग मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में, विकास के नाम पर आपकी नगर सेविका ने अब तक क्या काम किया आप लोगों के लिए? हमारी नगर सेविका जो है यहाँ पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लेकर सब लोग उसके साथ में हैं और ऐसा ही सब साथ में होना चाहिए। यहाँ का पब्लिक जो है, हमारे भाई लोग है, हमारे बहन लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोग ने सब लोग ने सहयोग देना चाहिए, उनको प्रतिसाद उनको साथ देना चाहिए। उनको बहुत उनका मतलब उनका जजमेंट ऐसा है कि हमको यहाँ पे बहुत सब लोगों के लिए काम करना है, झोपड़पट्टी के लिए काम करना है, सुविधा के लिए काम करना है। स्वच्छता मुहिम जो अभी जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी उसके लिए भी वो उनका बहुत सपोर्ट है लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने भी हमारे यहाँ के हम लोग जो है वो उनको साथ देंगे तो स्वच्छता के लिए भी अच्छा से अगर वो सब एरिया का जो है वो सुविधा होएगा और वो अच्छा से सब लोग को सब घर का जो है अगर अपना गली का है वो एरिया के अंदर में जाकर जो कचरा जो है अपना अपना जो घर के सामने कुछ डब्बा रहेगा उसमें डालना चाहिए। बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे लोग है और बूढ़े लोग है, छोटा परिवार है, तो वो लोग ने क्या अपना जो अब जब तक यहाँ पे है तब तक वहाँ पे स्वच्छता मुहिम के लिए वो लोग ने भी साथ देना चाहिए। ये खुद एक कदम आगे बढ़कर आएंगे तभी शायद हम अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा कर पाएंगे। हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे, ये अगर हम बुद्ध विहार के बाजू की बात करें तो यहाँ का जो गटर है उसका भी ढक्कन खुला हुआ है, लेकिन काम जारी है। प्रीतम पंडागले लगातार यहाँ के विकास के लिए काम कर रही है। एक बार हम फिर गौतम जी से चाहेंगे, गौतम जी आप हमारे साथ थोड़ा आगे आइए, और जिस तरीके से यहाँ हम बात करें गटर का ढक्कन पूरी तरीके से, यह जो नाली है आपने कहा कि हम प्रवेश द्वार बनाने के लिए प्रस्तावना कर रहे हैं, हम यहाँ पर साफ सफाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये गटर का जो ढक्कन है आगे जिस तरीके से नाली खुली है, क्या इसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज उठाई या बीएमसी कर्मचारियों के पास आप लोगों ने सवाल खड़े किए? ये जो पहाड़ एरिया है, इतनी बड़ी बारिश 29 तारीख को हो गई, आप मानोगे नहीं प्रदीप जी, इतना सारा रैबिट आके यहाँ पड़ा था, कम से कम 50 गाड़ी रैबिट निकाला, 50 गाड़ी रैबिट, क्यों यहाँ से इतना पूरा नाला चौकअप हो गया, पूरा ये यहाँ पर सामने रैबिट आके गिरा, हम लोगों ने पूरा साफ करते करते अभी तक आज तक कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वो रैबिट निकल गया, ढापे निकल गए और थोड़ा सा नाले के बाजू से वो निकल गया, फेवर ब्लॉक निकल गए, वो भी हम लोग अभी कर रहे हैं। आप कुछ कहने वाली थी? यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं महानगर पालिका के जो गटर है वहाँ पे ढक्कन खुले है, तो जो ऊपर का एरिया है वहाँ से बहुत सारा 29 अगस्त को जो पानी आया था वो बहुत सारा वहाँ पे सिल्ट माटी दगड़ वो सब बह के आया हुआ था। मैडम वो तो पंडागले जी ने बताया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी कचरा लेने कब आते हैं और कितने दिनों पर आते हैं? यहाँ पे कचरा लेने के लिए डेली ही आते हैं, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे वस्ती स्वच्छता योजना के लेबर जो होते हैं वो घर घर जाके सुबह 7 से 9 बजे तक हर गली में जाके झाड़ू मारते हैं, रोड पे झाड़ू मारते हैं, और उसके बाद हर घर से कचरा लेते हैं, और ये परिसर सुबह 8 बजे पूरा क्लीन हो जाता है, 9 बजे तक पूरा एरिया हमारा साफ होता है। चलते चलते मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा हर सैटरडे आप झाड़ू लगाएंगी, तो क्या हमारे तमाम जो लोग हैं यहाँ के रहवासियों को आज स्वच्छता दिन के मौके पर क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देंगी इन 24 के दर्शकों को? दर्शकों को इतना ही बोलूंगी कि हर दिन अपना परिसर अपनी जगह एकदम साफ रखो, कहाँ भी कचरा दिखे, मुझे लगा कहाँ भी दिखे कचरा तो उन्होंने खुद उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए, ऐसा सब लोग करेंगे तो अपना वार्ड स्वच्छ, अपना आंगन अपना घर स्वच्छ रहेगा, आजू बाजू का एरिया स्वच्छ रहेगा। और मैंने एक डब्बे की भी व्यवस्था की है, सब लोगों के गली में मैं एक एक डब्बा रखूंगी, जाके वो वहाँ पे जाके कचरा डाले, सूखा कचरा डाले, गीला कचरा ना डाले, तो सुबह ये लोगों को उठाने के लिए अच्छा रहेगा। मैं लोगों को यही बोलूंगी बस अपना अपना एरिया अपना वार्ड सुरक्षित रखे, जहाँ पे वो लोग कम पड़ेंगे वहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी, और जैसे मैंने बोला हर सैटरडे, तो हर सैटरडे मैंने मेरी पूरी टीम को लेके हर जगह पे हम लोग झाड़ू मारेंगे, ये मैंने वादा किया है, केवल आज के दिन नहीं हर सैटरडे में करूँगी, हर सैटरडे झाड़ू मारेंगी। और उन्होंने एक संदेश ये भी दिया कि अगर लोग अपने घर का कचरा डस्टबिन में डालें आसपास में न फेंके तो शायद गंदगी ना हो और हम स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।